नमस्कार, मैं देवेश आलू डेकोर की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं, आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फायर रिटार्डेंट मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स। हमारा देश जहां की पॉपुलेशन हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है और चिंता का भी विषय है। दो बिल्डिंगों के बीच की दूरियां बहुत कम हैं, दो दुकानों के बीच की दूरियां भी बहुत कम हैं, ज़मीनें बची ही नहीं हैं, तो अब घर की जगह इमारतें बनने लगी हैं। इससे एक खतरा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो है आग का। फायर रिटार्डेंट मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स इसी कारण से हमारी ज़रूरत बन गई हैं। फायर रिटार्डेंट मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स हमें इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों को आग लगी हुई बिल्डिंग से बाहर निकाल पाएं और जान का खतरा घटा पाएं। फायर रिटार्डेंट मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी देते हैं। इससे होता क्या है, आग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाती है। धुआं, जो काला घना धुआं होता है, वो या तो बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होता है। चिंगारी, जिससे नीचे गिर करके भी आग लग सकती है, या जब हम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो उस पर वो चिंगारी गिर के उन्हें जला भी सकती है। फायर रिटार्डेंट का मतलब क्या होता है? फायर रिटार्डेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा धातु या एक ऐसा मटेरियल जिसमें जब आग लगाई जाए तो वो आग को बढ़ने ना दे, या फिर अगर आग लगे तो उसे खुद के खुद थोड़ी देर के बाद बुझा दे। हम आलू डेकोर में ऐसा ही एक मटेरियल जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है अपने कोर में डालते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, जब आग लगती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी या वाटर वेपर्स पानी का भाप छोड़ता है। इससे हमें फ़ायदा क्या है, जैसे ही आग लगेगी उसके थोड़ी ही देर के बाद पानी का भाप उस आग को आगे बढ़ने नहीं देगा, जो धुआं निकल रहा है उससे उसे भी रोक देगा। अगर मैं बात करूं कि हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 330 डिग्री पर एक्टिव होता है या डीकम्पोज होना शुरू होगा। 330 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, तब तक अगर मटेरियल में कुछ भी ना हो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, हम लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज़, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जलने के बाद बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या पिघलने का तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। 2800 डिग्री सेल्सियस, हम अगर इसको स्टील से भी कंपेयर करेंगे उसका टेम्परेचर 1300-1350 डिग्री सेल्सियस होता है। फायर या आग को हम दो तरीकों से समझेंगे। एक, जब आग लगती है तो हमारे मटेरियल में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं और उस रिएक्शन से हमें क्या क्या खतरा है। पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि फ्लेम की हाइट ना हो ताकि दूसरे मटेरियल में आग ना लग जाए सिर्फ उस फ्लेम की हाइट से। दूसरी चीज़, एक तरफ से आग दूसरी तरफ बहुत जल्दी ना पहुंच जाए, जिसे हम स्प्रेड ऑफ फ्लेम भी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, काला घना धुआं।
ये या तो बिल्कुल ही ना हो, अगर हो भी तो हमें अपना एग्जिट या बाहर जाने का रास्ता एकदम क्लियरली दिखाई देना चाहिए, चिंगारी या मोल्टन ड्रॉपलेट्स बिल्कुल ही ना हो वो सबसे अच्छा है। कभी-कभी कुछ मटेरियल्स में सिर्फ हीट से आग लग जाती है। बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे जिसमें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज के ताप को पेपर तक पहुंचाते थे और पेपर में बिना किसी चिंगारी बिना किसी माचिस के ऑटोमेटिकली आग लग जाती थी। इसे कहते हैं हीट रिलीज। हीट रिलीज भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल में बिना आग लगे भी अगर उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि दूसरे मटेरियल में ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी। आखिरी चीज़ कि अगर काला घना धुआं ही नहीं है तो उससे गैसेस भी नहीं निकलनी चाहिए, जहरीली गैसेस। अगर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले भी आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि लोगों ने एसी चला के रखा था एक बंद गाड़ी में और लोग बेहोश हो गए। जहरीली गैसें कभी कभी हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो काली नहीं भी हो सकती हैं, तो हमें उन वैसी गैसेस भी से भी बचना है। हमारे साथ दिक्कत क्या आती है? हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है अभी मेटल कॉम्पोजिट पैनल्स में कि हमारे देश में इसका कोई कोड ही नहीं है और हमें दूसरे देशों के कोड पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा चलने वाले कोड्स हैं वो मैंने आपके सामने अभी टेबल के फॉर्म में रखा हुआ है। एक यूरोपियन नॉर्म्स है EN13501 का, ब्रिटिश कोड है BS476 Part 6 and 7 का, और तीसरा है जर्मन कोड DIN4102 का। अगर आप इस टेबल में देख रहे होंगे तो टिक मार्क बताते हैं कि उस पर्टिकुलर कोड में क्या-क्या टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं देखूं तो सारे के सारे टेस्ट यूरोपियन नॉर्म्स में कवर हो जाते हैं जो कि ब्रिटिश कोड या जर्मन कोड में नहीं कवर होते हैं। यहाँ जो हमें समझने वाली चीज़ है कि हम क्लास B1 यूरोपियन नॉर्म्स के लिए नहीं लिख सकते हैं या क्लास 0 यूरोपियन नॉर्म्स के लिए नहीं लिख सकते हैं। हम यूरोपियन नॉर्म्स के लिए क्लास B या क्लास A2 ही लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्डर्स कभी कभी आते हैं जहाँ पर लोग हमसे ये बोलते हैं कि EN13501 या यूरोपियन नॉर्म्स का मटेरियल आप क्लास B1 में दे दीजिए, जो कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये वही बात हो गई कि हम महिंद्रा के शोरूम में जा करके ऑल्टो की डिमांड करें। जो दूसरी चीज हम चेक करते हैं वो है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि हमारे मटेरियल में आग नहीं लगेगी। इसका मतलब यही होता है कि हमारा मटेरियल आग को फैलाएगा नहीं एक समय तक। वो समय जो भी बिल्डिंग कोड है, हमारे देश का बिल्डिंग कोड कहता है कि 2 घंटा, तो 2 घंटे तक हमारा ये मेटल कॉम्पोजिट पैनल इस आग को फैलाएगा नहीं। आग फैलती कैसे है? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच करके हमारा मेटल कॉम्पोजिट पैनल इस आग को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक नहीं पहुंचाएगा, यही उसकी फायर रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज कि बाहर का टेम्परेचर, जब हम आग लगी हुई है और जिस सरफेस में आग नहीं पकड़ी है उस सरफेस का टेम्परेचर कभी भी 190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में भी लिखा गया है। ये इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है हमारे मटेरियल में फ्लेम ना पकड़े, लेकिन इस तापमान के ऊपर अगर जाने से
दूसरे मटेरियल्स में आग पकड़ सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम BIS का मार्क देखते हैं, वैसे ही अगर आप फायर रिटार्डेंट मेटल कॉम्पोजिट पैनल खरीदने जाते हैं तो आप सर्टिफिकेशन देखिए। कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं कि आप टेस्ट रिपोर्ट दे दो। टेस्ट रिपोर्ट होता क्या है? वो एक टेस्ट एक पर्टिकुलर सैंपल का कराया हुआ होता है। उससे हमें पूरे प्रोडक्ट जो आपके साइट पर पहुंच रहा है उसकी जानकारी नहीं मिलती। सर्टिफिकेशन में होता क्या है कि हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, सिर्फ एक सैंपल ही नहीं, पूरा का पूरा आपका बैच या जितने भी बैचेस आपके पास पहुंच रहे हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं, और ये सर्टिफिकेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। ये हमारे फैक्ट्री से अगर कोई भी प्रोडक्ट निकला है तो अगले 5 साल तक, जब तक उसको हम रिन्यू नहीं कराते हैं, तब तक वो प्रोडक्ट कंप्लीटली सर्टिफाइड है। इसको फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइंग एजेंसी हमारे उस फैक्ट्री में जहाँ ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसे सर्टिफाई करती है 5 साल के लिए, और फैक्ट्री के हर उस प्रोसेस को सर्टिफाई करती है जिस तरीके से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और सर्टिफाइंग एजेंसी रेगुलरली हमारे फैक्ट्री में आकर के इसका चेक करती है। ये चेक एब्रप्टली कभी भी सर्टिफाइंग एजेंसी करने आ सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि लोगों के पास सर्टिफिकेट तो होते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट उस फैक्ट्री का नहीं होता है जिस फैक्ट्री से आप तक मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी सप्लायर के पास। इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया, और निवेदन करता हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।